हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही सहायता के लिए होगा और फायदेमंद होगा। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फ्री ट्रेनिंग मिलने जा रहा है बिहार के लोगों के लिए, जो कि टैली एंड GST यानी अकाउंटिंग को लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि पूरा जानकारी दिया जाएगा टैली के बारे में और GST के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वो भी फ्री में। यहाँ देख रहे हैं जैसे कि आप 1 साल में 1 लाख युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग, और अनुमंडलों में जुलाई से शुरू होंगे टेली व GST के सेंटर। तो इसका पूरा अपडेट क्या है आपको हम बताएंगे आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आप चाहते हैं कि जॉब्स की अपडेट या इस तरह की अपडेट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आज के प्रभात खबर का अपडेट है ये, कि 1 साल में जो है 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, और इसका जो है सेंटर शुरू होगा GST और टेली की ट्रेनिंग के लिए। कहाँ होगा? वो अनुमंडल में होगा, जितने भी अनुमंडल हैं बिहार राज्य के अंतर्गत। कौशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को 140 घंटे की मिलेगी ट्रेनिंग। श्रम संसाधन विभाग 1 जुलाई से बिहार के सभी अनुमंडल मुख्यालयों में टेली व GST एवं इंस्टीट्यूट खोलेगा। विभाग ने 14 अनुमंडल के मुख्यालयों से इसकी शुरुआत 1 जुलाई से करने का निर्णय लिया है। इस इंस्टीट्यूट में कौशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को 140 घंटे का प्रशिक्षण होगा। इस प्रशिक्षण में अकाउंटेंसी की पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि बिहार के छोटे बड़े संस्थानों में उनको नौकरी मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप जो है आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। वहीं विभाग ने लक्ष्य तैयार किया है कि जुलाई के अंत तक बिहार के विभिन्न अनुमंडल मुख्यालयों में कम से कम 36 सेंटर खोल दिया जाए। इसको लेकर विभाग स्तर पर काम शुरू हो चुका है, और अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इसका पूरा अपडेट यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यह है श्रम विभाग की योजना। कौशल युवा कार्यक्रम के तहत 140 घंटे का प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग बिजनेस मैन वो विभिन्न बड़े छोटे प्रतिष्ठानों से बातचीत कर लिस्ट तैयार कर रहा है। वहीं विभाग के अधिकारी प्रशिक्षण सेंटर का नियमित समीक्षा भी करेंगे, ताकि जुलाई से शुरू होने वाले सेंटर से प्रशिक्षण लेने के बाद यहां से निकलने वाले युवाओं को तुरंत नौकरी मिल जाए। विभाग ने फिलहाल 120 से अधिक प्रतिष्ठानों से बातचीत की है, और सहमति बनी है कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को अपने यहाँ नौकरी देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रेनिंग है सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग के बाद आप लोगों के जो है जॉब के लिए भी श्रम संसाधन विभाग जो है वो बहुत ही जोर शोर से लगा हुआ है, और सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन और कंपनी से बात कर रहे हैं, ताकि आपको ट्रेनिंग के बाद फटाफट नौकरी मिल सके। तो 1 जुलाई से कहाँ कहाँ सेंटर खुलेंगे उसका भी लिस्ट दे दिया गया है। बक्सर, डुमराव, ईस्ट चंपारण, अरेराज व चकिया, भागलपुर, कहलगाँव सदर व नवगछिया, गया में शेरघाटी, मधेपुरा सदर, दरभंगा, बहादुरपुर, बेनीपुर, बैरूल, गोपालगंज में सदर में, कटिहार सदर में और मधेपुरा सदर में यहाँ यहाँ सेंटर खुलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो आज का प्रभात खबर का अपडेट देख लीजिए, जो कि फ्रेंड्स ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है GST और टेली को लेकर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप लोग चाहते हैं कि इसमें ट्रेनिंग कीजिए। तो इसको लेकर के कोई भी अपडेट आएगा तो फ्रेंड्स हम जरूर आप लोगों के लेकर आएंगे। तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए और सबको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।